हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए घर की डिज़ाइन। तो दोस्तों, ये घर बना है 29x35 की साइज़ में। इसमें दो बेडरूम, एक हॉल और एक किचन। सामने ये बरिंडा बना है। इस साइड में से इसका इस तरह का लुक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ बदल सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस घर का एलिवेशन में पूरा टाइल लगाया है और ये स्टेप है, स्टेप में पूरा गर्नेट लगाया है। जालौर का गर्नेट है, राजस्थान के जालौर का। बीच में ये डिज़ाइन का पट्टी डाला है, इसका लुक बहुत शानदार है। और ये एक वेलकम लगाया है और ये पिलर पे पूरा जोधपुर के पत्थर के जैसा टाइल लगाया है, इसका लुक बहुत शानदार है। और ये पूरा इस साइड में 3 फीट का गैलरी छोड़ा है और बाहर चांतरी पे दो टांके बने हैं, एक खारे पानी का और एक मीठे पानी का। और ये बाहर की तरफ बरिंडा रखा है। इस बरिंडे के अंदर भी पूरा दीवार पर टाइल है। इस बरिंडे का साइज है 10x16 फीट का। नीचे पूरा गर्नेट लगा है, बीच में फूल लगा के, इसका लुक भी बहुत शानदार है। और इस साइड में ये एक बैठक रूम बनाया है, इसमें भी पूरा नीचे गर्नेट है। बीच में 3 इंची का बॉर्डर डालकर लगा है ब्लैक गर्नेट का। और इस साइड में ये एक अलमारी छोड़ा है। और बाहर की तरफ में 3.5x3.5 का एक विंडो रखा है। इस साइड में भी एक अलमारी रखा है और गैलरी की साइड में भी एक विंडो रखा है। और दीवार पे पूरा डाइकोड तक वुडन कलर का एक बॉर्डर पट्टा रखा है। और ये है हॉल का गेट। इस गेट का दरवाज़ा, बाहर का दरवाज़ा है वो लकड़ी का बना है, जाली का। और अंदर का पलाई का बना है प्लस डोर। दरवाजे का इस तरह का लुक है दोस्तों। और ये है हॉल 14x15 का। इसमें भी पूरा नीचे गर्नेट है, बीच में फूल डाला है और साइड में डाइपोड तक वुडन कलर का बॉर्डर बनाया है, इसका लुक भी बहुत शानदार है। ये तीनों कोनों में कॉर्नर लगाया है कपड़ा वगैरह रखने के लिए। और ऊपर सीलिंग में ये 3 इंची का इस तरह का डिज़ाइन बनाया है सीमेंट में, इसका लुक भी बहुत शानदार है। और ये बरिंडे की तरफ 3.5x3.5 का एक विंडो रखा है। और ये बाहर की तरफ भी 2.5x3.5 का एक विंडो रखा है। इसमें भी पूरा 2.5 फुट तक बॉर्डर बने हैं, इसका लुक बहुत शानदार है। और इस साइड में एक अलमारी रखा है। और ये हॉल 14x15 का बना है, बैठक रूम। गांव में हॉल की ज़्यादा ज़रूरत रहती है बड़े हॉल की। और यह पर एक बेडरूम बना है 13x9 फीट का, इसमें भी पूरा नीचे गर्नेट है। और बाहर की तरफ एक विंडो रखा है। यहाँ पर पूजा मंदिर के लिए ये बने हैं, टाइल लगी है इसमें। और
ये है यहाँ पर 7x9 फीट का एक गैलर छोटा है। और ये बेडरूम के लिए विंडो रखा है सीधा गैलरी में। और यहाँ पर पानी के लिए परिंडा बने हैं। चलते हैं किचन में, तो किचन में भी नीचे पूरा ग्रेनाइट लगाया है। इसमें भी ड्राईपुर तक बॉर्डर बने हैं और बाहर की तरफ भी एक हॉल बने हैं। और यह है किचन। किचन का लुक भी बहुत शानदार है। दस्तान ब्लैक में पूरा किचन बने हैं और किचन के ऊपर 4 फीट तक टाइल लगाया है। टाइल का लुक भी बहुत शानदार है। और ये ग्रेनाइट का साइड में वर्टिकल बने हैं। इस वर्टिकल को कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह है ऊपर की तरफ स्टेयर, इसमें ये पत्थर पूरा जोधपुर का लगा है। इसमें बीच में एक विंडो रखा है बड़ा। और ऊपर छत पर पूरा मार्बल का चिपची किया है। बीच में मूंगिया डाल के पूरा मार्बल का टुकड़ी लगाया है। तो चलते हैं वापस नीचे। इस ग्रेनाइट का इस तरह का लुक है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। तो यह है दरवाजा, बाहर की तरफ है। ये बाहर से लॉक किया है। तो इस दरवाजे का दोस्तों इस तरह का लुक है फर्स्ट डोर में। ये है फूल। और चलते हैं बाहर की तरफ वापस। तो इसका लेटरिन बाथरूम है दोस्तों, वहाँ पर बना है साइड में। नीचे का ग्रेनाइट का इस तरह का लुक है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाहर की तरफ ये इस तरह का स्टेप बनाया है। इसका लुक बहुत शानदार है बाहर में।